हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट किचन राजस्थानी में आपका स्वागत है। आज हम सूजी की कटलेट बनाकर तैयार करेंगे। ये इतनी क्रिस्पी है, सारी तरफ से सारी कटलेट क्रिस्पी बनेगी क्योंकि हम इसे घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे और एकदम सिंपल आसान विधि के साथ हम इसको बनाने वाले हैं। तो आइए हम कटलेट बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक कटोरी भरकर सूजी लिए, एक बड़ा बाउल लेंगे, सूजी को हम बाउल में डाल देंगे। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और आधा कटोरी जितनी हमने सूजी ली थी उससे आधी हम दही डालेंगे। मैं यहाँ 3 चम्मच डाल रही हूँ, पर दही हमें आधा ही डालना है। सूजी में अच्छे से मिक्स करेंगे। सूजी को मैंने दही के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब मैंने यहाँ आधा कटोरी सेवैया लिए, ये आसानी से मार्केट में मिल जाती है। अब हम एक कढ़ाई को गैस के ऊपर रखेंगे और जो सेवैया ली थी वो कढ़ाई में डाल के इनको हम रोस्ट कर लेंगे। ज्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है। सेवैया रोस्ट हो चुकी है, अब हम इसको साइड में रखते हैं। अब मैंने एक गैस के ऊपर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, पानी में उबाल आना चाहिए। पानी में उबाल आ चुका है, जो सेवैया को रोस्ट करके रखा था उसको इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ी देर के लिए हम उबाल लेते हैं, ज्यादा देर नहीं उबालना है, बस हल्का सा नरम होना चाहिए। सेवैया हमारी बॉईल हो चुकी है, अब हम इनको छान लेते हैं। यहाँ मैंने एक छलनी ली है, उसके नीचे एक बर्तन रख लिया है। सेवैया सारी इसमें डाल लेंगे, एक्स्ट्रा पानी है तो बाहर निकल जाएगा। अब हम इसको सूजी में मिक्स करेंगे। सूजी को रखे हुए 10 मिनट हो चुकी है। एक चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच काली मिर्च, नमक हमने पहले ही डाल दिया है, मैंने हरी मिर्च को काट कर लिया है, 2 चम्मच कॉर्न के दाने, ये स्वीट कॉर्न है। अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं। सारी चीजों को मिक्स कर लिया है। यहाँ हम 2 चम्मच अरारोट पाउडर डालेंगे, इसकी जगह मैदा भी डाल सकते हैं और अरारोट पाउडर है तो वही डालें। ये बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को मैंने मिक्स कर लिया है। मैंने आधा कटोरी भरकर ब्रेड क्रम्स लिए हैं और तेल मैंने कढ़ाई में पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम 1 चम्मच भरकर अपना बैटर लेंगे और इसको हम हाथों में लेंगे, इसी से हम ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। ब्रेड क्रम्स में लपेटने के बाद सीधा हम इसको गर्म तेल में डाल देंगे और फिर से हम 1 चम्मच भरकर लेंगे, इसको डायरेक्ट ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे, अच्छे से लपेटेंगे। नाश्ता हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इनको टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल है जो कढ़ाई में छोड़ देंगे। और इसी तरह हम बाकी भजे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। साइज अपने हिसाब से इसमें बना सकते हैं, छोटा बड़ा, और मसाले भी अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं, जो पसंद हो वो मसाला इसमें डाल लीजिए। सारे नाश्ते को बनाकर मैंने एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। ये कितने शानदार बने। आप भी छोटी मोटी पार्टी हो तो एक नाश्ता बनाकर जरूर ट्राई करें। बच्चे के बर्थडे पार्टी में भी बना सकते हैं, घर पे कोई अचानक मेहमान आ जाए तो भी बना सकते हैं। जो हम सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना रहे हैं ये घर में हमेशा मौजूद होती है। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।